वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश क्रम में चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गोला थाने की पुलिस ने दुकान में घुसकर चोरी का अपराध करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लगभग 4 लाख रुपए कीमत के चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया है, जिनकी पहचान अभिषेक, धनंजय निषाद, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार व दीपक सहानी के रूप में हुई है। सर मेहनत नहीं रुकी है ना, आपकी मोहब्बत कट करवा मत। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिण अरुण कुमार सिंह ने बताया। थाना गोला क्षेत्र के कस्बे में और बगल के एक गांव में 2 घटनाएं जुलाई और अगस्त में हुई थी, जिसमें डीजे का जहां सामान स्टोर होता है उसकी गोदाम से चोरों ने जो म्यूजिक सिस्टम है और कुछ अन्य सामान तथा वहाँ घर में लगी हुई CCTV का DVR ये चोरी करके ले गए थे। इसमें पहली घटना जिससे यहाँ हुई है उसके भाई का एक मित्र भी शामिल है। उसके यहाँ आने जाने से इनको ये पता चल गया था कि ये म्यूजिक सिस्टम काफ़ी कास्टली होता है। सामान इन्होंने अपने पास रखा था। महादेवा बाज़ार में किसी व्यक्ति से इन्होंने चर्चा किया कि हमें डीजे का म्यूजिक सिस्टम और कुछ अन्य सामग्री है जिसे बेचना है, लेकिन शर्त ये होगी कि वो गोरखपुर में नहीं किसी को बेचा जाएगा। वहीं से ये बात पुलिस के मुखबिर को पता चली और फिर आज इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, अभिषेक, धनंजय, नीरज, आशुतोष और दीपक। और इनके कब्जे से दोनों दुकानों से चोरी किया गया एम्पलीफायर, म्यूजिक सिस्टम और तमाम उपकरण बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, वह DVR भी बरामद हुआ है जो ये उठा के ले गए थे वहाँ से, साथ ही साथ 2 मोबाइल जो घटना में प्रयुक्त हुए थे वो भी बरामद हुआ है। सर फर्स्ट टाइम चोरी किए थे? 2 मुकदमे जो थाना गोला में 1 जुलाई में लिखा गया था बिसरा गांव का और दूसरा कस्बे का जो अगस्त में लिखा गया था, इन दोनों का माल बरामद हुआ है। तो 2 घटनाएं तो हमारे यहाँ की हो गई, लेकिन पूछताछ यही लग रहा है कि ये फर्स्ट अफेंडर्स थे। अगर मार्केट में इनका माल बिक्री बढ़ जाती हो जाती, अभी तो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो निश्चित रूप से फिर इस तरह की दुकानों को ये निशाना बनाते। सर ये पढ़े लिखे थे या ऐसे ही? बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है। डीजे की दुकान पे मैंने बताया ना कि एक मालिक के छोटे भाई से इसकी दोस्ती थी, इसमें